भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी राह गुजारों से, मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से, न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जब हम इन्हीं एक तरह से उर्दू सीख रहे थे या हमारा शऊर की तश्कील हो रही थी, उस वक्त जिस शायर ने हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो साहिर थे, और उसकी वजह गालिबन ये थी कि उनकी शायरी नई नस्ल के लिए एक नई तरह की थी, यानी तरक्की पसंदों में भी उनका लहजा, उनका अंदाज़, उनके मौजूआत में एक जो तनवो था और एक नुदरत थी वो बिल्कुल अलग थी। कि साहिर उन लोगों में हैं कि आप गाता जाए बंजारा देखें, चाहे आप तलखियाँ देखें, चाहे आप परछाइयाँ देखें, उनको आप उन्होंने अपने फ़न से कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, सौदा नहीं किया है। आप कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है उन एक शायर की का एक ऐसा कारनामा है जो इल्मी भी है और फिल्मी भी है। ये इल्मी और फिल्मी की यकसानियत, यानी अदब और गैर अदब के जो अलग अलग मेयार थे कि फिल्म में जो है वो गैर अदब है और जो फिल्म के बाहर है वो अदब है, अगर आप इसे देखें तो इस फ़र्क को अगर किसी ने ख़त्म करने की कोशिश की तो वो साहिर है। तो इस साहिर को मैं इस एतबार से ये समझता हूँ कि साहिर बहुत बड़ा शायर था, और वो मेरे नज़दीक तो हमारी नस्ल के लिए शायर नहीं था, सचमुच साहिर था। कभी कभी क्या कहने, उसकी उनकी नस्में क्या कहने, कभी कभी तो उनकी किताब की नज़्म है उसमें थोड़े बहुत कुछ लाइनें एडजस्ट की हुई हैं, कभी फिल्म के मुताबिक कुछ लाइनें, तो उनकी नज़्म है ये इसमें तलखियों में। फिर दूसरी नज़्म, मैं पल दो पल का शायर हूँ, कह रहे कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है ज़िंदगी के मुतल्लिक भी, और यही है। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। ऐसा शायर ये इसे कहते हैं कि मन में एक पीड़ा है, दर्द है गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, आम आदमी का एक दर्द है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो अपने नगमात भी देते थे, वो इतना हमें चाहने लगे। पिक्चरें हमने 5 की, मुझसे ज़्यादा और संगीतकारों ने बहुत हुई हैं। कभी कभी तो उनकी किताब की नज़्म है उसमें थोड़े बहुत कुछ लाइनें एडजस्ट की हुई हैं, कभी फिल्म के मुताबिक कुछ लाइनें, तो उनकी नज़्म है ये इसमें तलखियों में। साहिर लुधियाना में पैदा हुए, उनका शुमार उर्दू के मुमताज़ शायरों में होता है। माँ और बाप के दरमियान अज़्दवाजी ज़िंदगी में कड़वाहट की वजह से वो बचपन में ही कशीदा सूरत हाल से गुजरे।
उनकी इब्तदाई तालीम पहले मालवा खालसा हाई स्कूल से हुई, फिर आला तालीम उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में हासिल की। साहिर अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका दिलो जान से एहतराम भी। माँ की इजाजत के बगैर वो कोई भी काम अंजाम नहीं देते थे। साहिर साहब को हमने कॉलेज के ज़माने में पढ़ा और वो जो एक बालिग होने वाली उम्र है ना, वो साहिर और कतील के शेर सुना सुना के लड़कियों को इम्प्रेस करना, ये उस दौर में पढ़ा है साहिर साहब को। एंड एज लक वुड हैव इट, बम्बई में जिस जगह पे मैं रहा कुवर लॉज में अंधेरी वर्सोवा में, वहाँ नीचे के बंगले में, बंगले के निचले हिस्से में कृष्णचंद्र रहते थे और ऊपर के फ्लोर पे साहिर साहब थे। तो जिस शख्स को जिनकी शायरी और जिनके रोमांस की वजह से, शायरी में जो उनके रोमांस छलकता था जिसकी वजह से एडमायर किया करते थे, उन्हें सामने देख के बस, कद उनका बहुत ऊंचा था तो हम छोटे थे तो उनका कद के सामने और छोटे हो जाते थे, लेकिन बड़ी अपने जैसी शख्सियत साहिर साहब की। अम्मा के साथ रहते थे और साहिर साहब का कम बोलते थे, बहुत कम गो शख्स। एंड आई थिंक उर्दू के अदीब जो फिल्मों में काम कर रहे थे उस जमाने में, हम तो फिल्मों में नहीं थे लेकिन जानते थे कौन कौन कहाँ काम कर रहा है। उन्हें PW में मिला करते थे, प्रोफेसर राइटर्स एसोसिएशन में। तो ही वॉज द फर्स्ट वन हु ओन्ड अ कार, एक छोटी मॉरिस थी उनका, और अब्दुल नाम का एक ड्राइवर हुआ करता था। तो रहे अपनी तरह से, अपनी तरह से जीते रहे और अपनी तरह ही उनका अंदाज था शायरी का। फिल्म के नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि फिल्म के मीडियम को हर टेक्नीशियंस को सीखना पड़ता है, राइटर को भी सीखना पड़ता है, स्क्रीन पे सीखना पड़ता है फिल्म का गाने का विधान। ही इज द ओनली वन भी कहना सही नहीं, दो शायर हैं जिन्होंने इस मीडियम को नहीं अपनाया लेकिन जिनको मीडियम ने बड़े मोहब्बत से अपनाया, एक पंडित प्रदीप थे और एक साहिर लुधियानवी। वो उनके जो उनका अंदाज था वो मीडियम ने अपना लिया। साहिर साहब की ये सबसे बड़ी खूबी है, और खुदी थी, ईगो थी, और उनके कद के बराबर ही थी ईगो भी उनकी। ये साहिर साहब की वजह से विविध भारती पर पहली बार गीतकार का नाम आना शुरू हुआ था, ये सिर्फ उनकी वजह से हुआ था, वरना सिर्फ पिक्चर का नाम होता था, मौसीकार का नाम होता था, ये गाने वाले का। लेकिन साहिर साहब ने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के थ्रू गाने बंद करवा दिए थे और कह दिया था जब तक शायर का नाम नहीं आएगा तो गाने नहीं दिए जाएंगे। ज़िद्दी भी थे और फिर उन्हीं की वजह से ये हुआ कि विविध भारती पर, रेडियो के गानों पर शायरों के नाम भी आने लग गए। उनकी वजह से ये वकार मिला शायरों को, अल्फाज उनके अपने अपनी तरह, क्योंकि सुनते आए थे, गाने तो सुनते थे बचपन से, रेडियो पे भी सुनते थे, शायरी भी पढ़ते थे, लेकिन पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी, ये रात फिर ना आएगी, ये अंदाज साहिर साहब का, ये दूसरा किसी का नहीं देखा था। इस तरह छलकता हुआ रोमांस और किसी शायर में नहीं देखा था। वो पहली बार वो जबान कानों में पड़े, वो आवाज़ सुनी, दिस वाज साहिर। साहिर के कलाम के पहले चार मजमूए शाया हुए, फिर उनकी कुलियात शाया हुई, आओ के कोई ख्वाब बुने, परछाइयाँ और तलखियाँ उनके मकबूल शेरी मजमूए हैं। उनकी शख्सियत और अदबी खिदमात के एतराफ में कई अहम और मुस्तनद किताबें भी छप चुकी हैं। साहिर फिल्म से वाबस्ता रहे तो उसमें नई जान डाल दी, फिल्मी दुनिया में शायरों और अदीबों के वक़ार को बुलंद किया,
खुद फिल्मी दुनिया को एक नई सिमत रफ्तार दी, एक मयार अता किया। 50 और 60 की पीढ़ी के युवाओं में उर्दू, हिंदी और पंजाबी के लेखकों की चाहत दीवानगी का दर्जा रखती थी। वे थे उर्दू के साहिर लुधियानवी, हिंदी के डॉक्टर धर्मवीर भारती, पंजाबी की लेखिका अमृता प्रीतम। साहिर साहब की परछाइयाँ लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। साहिर साहब से मेरी पहली मुलाकात 1972 में हुई, जब वो सोवियत लैंड पुरस्कार लेने दिल्ली आए थे। और जब मैं होटल जनपद में साहिर साहब से मिला, उसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही गया। साहिर साहब की शायरी इतनी लोकप्रिय थी, उतनी ही उनके फिल्मी गीतों के। लेकिन साहिर साहब ने कभी अपनी शायरी के साथ और फिल्मों में समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी धुनों पर गाने नहीं लिखे। ये कहा जा सकता है कि साहिर साहब की शायरी फिल्मी भी थी और इल्मी भी। 1960 में साहिर साहब ने कांगो के एक लीडर पैट्रिक लुमुम्बा की मौत पर एक नज़्म लिखी थी, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म के मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे साहिर साहब ने नज़्म अपने बारे में लिखी थी। आज जिस्मानी तौर पर वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने कलाम की वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे। साहिर का कैनवास जो है वो बहुत बड़ा है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि अपने शुरुआती दौर में खालिस रूमानी अंदाज जो है उनका नज़र आता है, और अपने महबूब से मुखातिब होकर के तो वो ये भी कहते हैं कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। साहिर ये भी कहते हैं कि मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मसरत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है, आवाज़ रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह, यही फिजा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। साहिर लुधियानवी का नाम आते ही जहन में हजारहा तस्वीरें बोलना शुरू कर देती हैं। इतना कामयाब फिल्म का गीत लिखने वाला शायद कोई हुआ हो, और उसने यानी खुद की यह हालत थी कि ताजमहल जैसी नज्म लिख गए, जो कि उस जमाने के नौजवानों को जिसने बहुत इंस्पायर किया। क्योंकि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ताज जो है वो चांदनी रात में उसको देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है उसमें, और तमाम उसमें अजीब तरह का एक माहौल पैदा होता है। साहिर कहता है, ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिय रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बजमे शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सख्त जिस राह पे हो सितवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी, मेरी महबूब पसे पर्दे तशीर वफा, तूने सितवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान न था, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारात व मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाह की अजमत के सुतून, दामने दहर पे उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून, मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो निशान, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक,
एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। अब यह उस जमाने की ऐसी नज़्म थी कि जिस पर नौजवान बगैर इंस्पायर हुए, क्योंकि अच्छा उर्दू जो थी वो अपने बिल्कुल उरूज पे थी, हिंदी का ज़माना था नहीं, कोर्ट की लैंग्वेज उर्दू थी, तो लिहाजा हर एक को उर्दू आती थी, हर एक उसमें दिलचस्पी रखता था। और अगर आप देखें तो ज़माने के फिल्मी गाने जो लिखे गए और भी जो भी लिटरेचर सामने आया, उसमें कहीं पर भी यानी हिंदुस्तानी और उर्दू में बहुत ही कम फर्क है। वो बहुत मिलनसार, मुनकसीरुल मिजाज, खुशतबा और दोस्त नवाज इंसान थे, जिसका इजहार उनकी शायरी में भी मिलता है। वो ऐसे शायर थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया को वकार दिया, एतबार बख्शा और उसे ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम रोल अदा किया। वो अपने मुनफरिद शेरी उसलूब और तर्ज बयान की वजह से बहुत पसंद किए गए। उन्होंने फिल्मों के लिए गीत, दोहे, नज़में, गज़लें और कव्वालियां लिखीं, जो खूब पसंद की गईं। साहिर साहब के साथ मेरा इत्तेफाक ऐसा रहा है कि उस वक्त पिक्चर बनी थी लैला मजनू HS रवेल साहब की, और फिल्म का संगीत दिया था मदन मोहन साहब ने, और साहिर साहब ने सब गाने लिखे थे। और उस वक्त कहा जाता था कि साहिर साहब की सबसे यूथफुल फिल्म लैला मजनू थी, हालांकि पीरियड फिल्म थी, कॉस्ट्यूम ड्रामा था, लेकिन कहानी तो फोक लेजेंड लैला मजनू की थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गाने लिखे थे वो उस वक्त के नौजवानों को बड़े लुभाते थे, तो उनके बोल बड़े सिंपल थे, लोग समझते थे, और उर्दू का उन्होंने एक एसेंस भी रखा था, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता था उस फिल्म में। मैंने एक और फिल्म की साहिर साहब की, उससे पहले वो फिल्म थी कभी कभी। अब कभी कभी में ज़्यादातर पोएट्री के बारे में थी, जो मेन कैरेक्टर था वो पोएट, तो मेरा जो किरदार था वो नौजवान का था। तो देखिए कैसे बैलेंस किया राइटर ने कि पोएट्री कहाँ अपने एक ऊंचाई तक, और जहाँ मेरा जो किरदार था वो जवानी का जोश, वो एक जवानी की एक उछल कूद जो होती है, उन्होंने वो भी लिखा, साथ में उन्होंने सीरियस पोएट्री भी दी, तो इस दोनों बैलेंस की फिल्म यश चोपड़ा की कभी कभी ने, तो ये तो कमाल की बात है जो मैंने साहिर साहब के साथ एक्सपीरियंस किया है। और कभी कभी के गाने में बहुत से सुपरहिट हुए, जो टाइटल सॉन्ग था कभी कभी, तो साथ में मेरा गाना था तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती नज़ारे क्या देखें, दूसरा था प्यार कर लिया तो क्या प्यार की क्या गुनाह नहीं, जो फिर तीसरा गाना था उन्होंने पंजाबी ठेके में गाया था कि वो हमने कश्मीरी गाना गाया था। तो देखिए ना, यूथफुलनेस अपनी जगह थी और पोइट्री सही मानों में अपनी जगह थी, और एक ही फिल्म में उन्होंने बैलेंस किया था। बहुत पिक्चर का म्यूज़िक बहुत चला था, सो हर किस्म की ऑडियंस को उन्होंने कैटर किया था। ये उनकी खासियत थी कि हर किस्म के बंदे को उनका गाना पसंद आए, उनके अल्फाज पसंद आए, और वो भी लिखा भी उन्होंने जो मेरी आम जबान हो, जैसे कि उन दिनों के जो यूथफुल यूथ थे वो आम जबान कहे, ज़्यादा गाढ़ी उर्दू नहीं, गाढ़ी हिंदी नहीं। और साथ में जब वो उन्होंने किया तो वो थोड़ी डीप पोइट्री थी, जो बच्चन साहब ने गाना गाया तो उन्होंने कुछ डीप मीनिंग की पोइट्री थी, तो ये बैलेंस बहुत अच्छा किया था उन्होंने फिल्मों में। और जैसे लैला मजनू में हर गाना ऊंचाई पे था, कोई पत्थर सा ना मारे मेरे दीवाने को, वो तो साल भर का डेकेड का नंबर वन गाना था। एक एक गाना बर्बाद है मोहब्बत की दुआ साथ ले जा, तेरे दर पे आया हूँ, हर गाना उसमें बेहतरीन गाना था। तो साहिर साहब को आज याद करते हुए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार मानता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे गाने दिए
और दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं अच्छे हैं, खुश रहें। साहिर लुधियानवी का इंतकाल 25 अक्टूबर 1980 को 59 साल की उम्र में मुंबई में हुआ और सेंटा क्रूज में मदफून हुए। साहिर इल्मी व अदबी व फिल्मी दुनिया की तारीख का एक रोशन बाब है जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। शायरी की अजमत होती है और किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट की कि वो अपने गम को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी ट्रेजडी को एक बहुत ही ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखता है, और वही साहिर ने अपने आर्ट के साथ किया, अपनी शायरी को एक टूल बनाया, लेकिन उन्होंने अपने गम को, अपनी ट्रेजडी को अपने तक नहीं उसकी लिमिटेशन रखी, बल्कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा। और जिस रूप में भी, चाहे मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, या किसी औरत का हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को तिल तिल अपने बाप के जुल्म का शिकार होते देखा था, वो तलखियाँ उनके अंदर थी, तो उस चीज़ को जब उन्होंने शायरी में एक्सप्रेस किया तो वही उनकी शायरी की बहुत बड़ी अजमत है। खलाओं में रह जाऊँगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हम नफर, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।